सारा कंटेंट तो डाल नहीं सकता था, तो एक्चुअली आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड पार्ट, एंड देन हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे एंड आपको पता लगेगा कि अगले चार दिन में क्या क्या चीज है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट में जाके बड़े बड़े गेम डेवलपर्स, सीईओज और यूट्यूबर्स से मिलने का, तो क्या? मैं पहली बार अपनी टीम के साथ गया हैदराबाद हाईटेक सिटी इसी तरह के एक इवेंट को अटेंड करने के लिए और अपने गेम प्रोजेक्ट को शोकेस करने के लिए, दी इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस में, IGDC। और आ जाओ अब उस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह सुबह लेट लतीफ अपने लोग निकल पड़े IGDC का फर्स्ट डे अटेंड करने के लिए नोवो होटल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, तेजस सांगवुंग कोंग बहुत गुस्से में। गाइस, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं IGDC के लिए, 2 घंटा लेट। कितने घंटे लेट भाई, पता नहीं कितना लेट यार। टाइम था आने का कितना, 10 बजे, और 10:30 तक था भाई। नहीं, 10:30 पे हम निकल रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी एड्रेस बताते हैं, कोई कहता है इधर से जाओ, कोई कहता है उधर से जाओ। भाई ढूंढते पगला गए हम, है कहाँ IGDC फिर। हाँ, बट ये है हैदराबाद शहर, चलने के लिए बहुत अच्छा है। मैं ना एक वो लग रहा हूँ, मैं एक माइनर एम्प्लॉय लग रहा हूँ, देख के अपने आपको सीरियसली, जस्ट लुक एट माय हेयर। और फिर भी थोड़ा 3-4-5-6-7-8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए IGDC इवेंट फाइनली। International Convention Center IGDC Event 2022. Finally we are here guys. And then हमने एंट्री की और एंट्री मारते हमें देखे मिस्टर वैभव चवन सर, गेम डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर, स्टोरी टेलर, फाउंडर ऑफ अंडरडॉग स्टूडियोस। तो हम लोग आगे वैभव सर के साथ, या मीटिंग वैभव चवन रियल टाइम। तो वैभव सर ने हमसे थोड़ी देर बातें करी और फिर अपने लोग निकल गए अपने बसेस में। और हाँ, फील हो रहा था ब्रो, 4,000 गेम डेवलपर्स एक जगह पे एक साथ, इतना बड़ा इवेंट, इट वॉज सो अनरियल, पावर्ड बाय अनरियल इंजन। एक तो हम लेट आए हैं, ऊपर से इवेंट मैनेजर्स जो हमें कॉल करें बिकॉज हमारी पब्लिशर्स के साथ मीटिंग थी, एंड वी आर रियली लेट फॉर दैट, सॉरी। सो लेट्स फाइंड द सेकेंड फ्लोर एंड रीच द इन्वेस्टर पब्लिशर कनेक्ट। लुक एट द ब्यूटीफुल IGDC इवेंट, हियर वी आर गाइस। हां जी, कैसा लग रहा है भाई तेजस? बहुत अच्छा है। डिजाइनर से भी मिले थे तो वही साइबर, बड़ी फीट थी वो, साइबर पंक पे डिस्कस हुआ वहाँ पे, एज रनर्स भी हुआ और विचर का तो हो गई भाई, बड़ी अच्छी थी। और उनसे बात करके फिर अपने लोग निकल पड़े इन्वेस्टर पब्लिशर कनेक्ट की तरफ, जहाँ हम लोग पिच करने वाले थे अपने गेम प्रोजेक्ट के बारे में। अनंत शंख, इस प्रोजेक्ट का नाम पहले अभी चुप था, बट हम अरे विनीत अपने को लगातार फोन करने में लगा था भाई। IP कनेक्ट, ये तो है ना, अब वो छोड़ो। प्रेजेंटेशन से पहले मैंने अपना लैपटॉप खोला और बैटरी डेड थी। हाँ, चार्ज नहीं था मेरा लैपटॉप, देख रहे हो लैपटॉप किधर चार्ज करना पड़ रहा है। खाना परोसा जाता है इसमें भाई तन्ना बट गेम से भी हां। अब पता है एक बात क्या है, बोलना तो नहीं चाहिए कुछ ऐसा, नहीं बोलूंगा ताकि हमारी लंका लग जाए, बट एक बात है, मोबाइल गेम्स की बहुत पसंद है इन लोगों को, ठीक है, और हमने इनको दिखाया अपना तन्मय भट्ट गेम, और उसकी तो हिस्ट्री जानते ही होगे, वो कितना सही था, तन्मय भट्ट का कमेंट भी आया था उसमें, यस ठीक है।
सो अब देखते हैं बाकी और भी इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बात करनी है. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. भाई मीटिंग तक और ये पिच वगैरह करने के बाद अपने लोग चले एक्सपो की तरफ जहां एक्चुअल माल था. सॉरी व्हाट, मतलब जहां एक्चुअल इवेंट था. कितने का है? 2 बजे तक है. 2 बजे तक है, उसके बाद लंच. मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो गाइस, वी आर गोइंग टू द आईजीडीसी एक्सपो. And damn, it was so fucking huge. And उधर बहुत सारे गेम शोकेस हो रहे थे, जैसे कि अब्रा. Can you show the video? Okay, Tejas SIT पर मिला आपने. Although फिर अपने लोगों को इवेंट में घूमना चालू कर दिया. काफ़ी ऐसे जानने वाले मिल रहे हैं, मतलब जिन्होंने मेरे को मे बी यूट्यूब या इंस्टाग्राम से देखा. एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड. और बहुत सारे गेम्स देखे, जैसे कि ये तीर वाला गेम. ओके, दैट्स अ फुल ऑन आर्चरी गेम. नहीं छोड़ोगे तुम? कंटेंट नहीं छोड़ते, कंटेंट क्रिएटर वाइज. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उधर जाते ही मुझे तुम लोग दिखने लगे. हाँ मेरे फैंस. विवेक भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया. कैसा लग रहा है मुझसे मिलके आपको? बहुत बढ़िया. मुझे तो आपसे मिलके बहुत बढ़िया लग रहा है. अरे यार, मैं तो इतने लंबे हो आज. द हेल अपने को मिले ऑसम जिनम. कैसा लग रहा है आपको? एंड ही इज द असैसिन. भाई हम लोग मिल गए फाइनली लेजी असैसिन और जिनम भाई से. और मैं इन दोनों के ब्लॉग में भी आ गया. मैं बहुत ही ज्यादा यूज इवेंट है. इतने सारे गेम्स अपने आप लाइक शोकेस हो रहे हैं यहाँ पर. असुरा वाला कंपनी है. और इतने में ही आ गए निखिल मलंगकर जी. हाय हाय हाय. तो फाइनली हमने निखिल सर से मिले. और हाँ, इन्होंने ही मुझे इंसिस्ट करा था इधर आने को अपनी लाइव स्ट्रीम में. ट्राई नहीं होता. बता दीजिए मानिक को, बोलिए कि यार आईजीडीसी में आपका आना बहुत जरूरी है. ऐसा मत करो, ये मतलब आईजीडीसी मिस करना पाप है. और ऐसे ही मैं घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा कंता रहा. राहुल भाई और अनियल इंजन टूट गए रास्ते में, पता नहीं कहां पर हैं दोनों. और वो बिजी थे रॉकस्टार और अनियल इंजन के बूथ पे. पर हाँ, हमने रॉकस्टार के डेवलपर से भी बातें करी. मतलब घूमते घूमते नेटवर्किंग कर रहा था और बड़े बड़े डेवलपर्स और फाउंडर्स से मिल रहा था. एंड अचानक मेरे को देखे अंजनी पुत्र के फाउंडर. तो हेलो भाई लोग, हमारे साथ है लेजी एसोसिएशन एंड हमारे. तो बेसिकली क्या है कि पुलकित भाई जो है इनसे मिला था इंस्टाग्राम पे. बड़ी गेम बनाने इनटू द कोचिंग क्लास चैप्टर 1. तो वो बहुत बढ़िया गेम है. क्या लगता है जीतोगे? अब तो यार ये जिताएंगे, लोग ही जिताएंगे. नॉमिनेशन के तो कांग्रेचुलेशंस. इनका भी मोबाइल गेम जरूर खेलना वैसे. और उधर मोशन कैप्चर स्टूडियोज के स्टॉल्स थे, वीआर दिखाया जा रहा था. तो हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया थोड़ा. एंड यू नो, इस वीआर में मैं तलवारों से सॉसेज काट रहा था. और फिर चलते चलते यूं ही मुझे मिला कुशल भाई. पहले वापस रिकॉर्ड कर, क्यूआर कोड स्कैन करा, कुछ भी बोल रहा हूं. अरे छोड़ ना,
सो हाय भाई, मिल गए हम कुशल बैच से। कैसा है भाई कुशल? ये है अपने गेमर गेट स्टूडियो के फाउंडर की और सब कुछ। इन्हीं का ब्लॉग आएगा, मेरा कुछ नहीं आ रहा। इन्हीं के चैनल को सब्सक्राइब करो। इनका गेम कब आएगा ये जान, वो तो भाई पता चल जाएगा कल के ब्लॉग के पार्ट में। और भाई कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? पहली बार तुम भी आए? मैं भी आया। हाँ, मैं फिजिकल पहली बार हूँ, बट ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो मज़ा आ रहा है। थक चुके हैं एकदम। अभी तो आई थिंक 3 बजे हैं बस, और अभी तक हमारी पैरों की हालत खराब। यू तो भाई मीटिंग में गया बैठा होगा। हाँ, मैं तो गलत है, मेरा पैर गला सब। हाय हाय हाय, और एक्सपो में यूं ही चलते चलते अचानक से मुझे अपने सब्सक्राइबर मिल जा रहे थे। मतलब क्या हुआ था? अरे कितने लोग जानते थे मुझे ऐसे? तो गाइस, हमें इतने सारे फैंस मिल चुके हैं पूरे आईजीडीसी इवेंट्स में। सबसे मैंने बात करना बहुत जल्दी अच्छा लगा क्योंकि भाई पीयूष, शुभम, सक्षम और भाई सब लोगों से मुझे बहुत सही लगा। बहुत बढ़िया 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 लोग हैं। बिग फैन सर। हाँ ठीक है, कुशल भी मिल गया आपको। बस अभी तक इनको यूट्यूब कमेंट सेक्शन पर, डिस्कॉर्ड पर देखा था। आज रियल लाइफ में मिलकर सबसे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। हाँ भाई, कंधा छोटा करेगा। आप लोगों को क्या पूछोगे? नाम किसे जानते हो? यहाँ से पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं सर, दिन में 9 times हो चुका है। मैंने भी जाता है, हमने सब यही कर रहे हैं। बट मेरे को बट एनीवे, वी आर हैविंग अ फन टाइम एट आईजीडीसी एंड यहां पे कुशल भी है। कुशल बाद आ गया हमारा प्यारा सा। और फिर हमने कुछ टॉक्स भी अटेंड करी उधर, और आज के इवेंट से थक हार कर हम लोग एक्सपो से बाहर आ गए। बड़ा मजा आया एक्सपो में। कितने लोगों से मिल गए भाई? तेजस मोटर से मिल के आया। तेजस मोटर से मिल के आया हम। हम निखिल मलंगर से मिलके आगे बढ़ा, मिले ही मिले। कौशल, चिवान, लेजी, अश्विन, मजा तो तब आया जब भाई लेजी भैया ने सामने से पहचान लिया, और ऑसम जिन हमने भी देख लिया था निखिल मलंगर, वो पहचान नहीं पाए, पता नहीं क्यों। भाई निखिल मलंगर ने पता नहीं खा लिया था कुशल भाई को। मैंने वो खेली थी, क्या कहते हैं, मुंबई गलीज। सही है भाई, जैसा अभी डेवलपमेंट में है, एज अ डेवलपर आई कैन से कि हाँ भाई गेम अच्छी है अभी के लिए। डेवलपर ओ भाई, चलो आज खाना खाते हैं। खाना मिस हो चुका है, लेकिन इनको, इन सभी को लग रहा है अभी तक खाना मिलेगा हमें। भाई नहीं है, नहीं मिलेगा तो हम इसी को पीटेंगे ना भाई। ओ अबे सोचो यार, हम लोग रात के 8 बजे इवेंट से थक हार के वापस आ रहे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और उधर हमने एक दोस्त भी बनाया था, रुशद, जो सलाह में रास्ते पर ललचाते हुए आ रहा था आईजीडीसी के लंच के बारे में। फिर वही थोड़ा पेटीज वगैरह खाकर अपने लोग वापस चल दिए अपने होटल की तरफ। तो पता है उधर अपने रूम का दरवाजा हमसे खुल नहीं रहा था, तो वहां का सर्वेंट एक गड्डी लाया था आधार कार्ड की, जिसे अटका अटका के वो दरवाजा खोलने में लगा था उससे। और उस आधार कार्ड के दरवाजा खोल खोल के वो फेंक रहा था आधार कार्ड। अभी पता नहीं कितने रैंडम लोगों के आधार कार्ड थे भाई वो। और ऊपर से अपना दूसरा रूम आज भी साफ नहीं हुआ था, तो आज भी हम लोग वहाँ नहीं रुके। अब कल तो वैसे भी हमें अपने गेम अनंत श्रृंखला का शोकेस करना था, तो अपने लोग लग गए प्रेजेंटेशन बनाने के काम पे। सच में प्रेजेंटेशन ही बना रहे थे। और ऐसे ही हो गई रात पर। लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन हमने अपना गेम शोकेस करा था, और भी बहुत कुछ हुआ था, वो मिलेगा इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। साले कितने पार्ट बनाएगा, इतना वेट कर लिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को गेम डिजाइन सीखना शुरू करना है ना, तो चेक आउट दिस वीडियो गेम डिजाइन कोर्स ऑन IamGameDesigner.com। एंड इन सब चीजों के अलावा, दिस इज योर ब्रांड।